पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदाताओं को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मैदान में उतर गए हैं और मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जयंत चौधरी वापस आना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। वहीं शाह के इस ऑफर पर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पलटवार किया है और मथुरा में बोलते हुए जयंत चौधरी ने कहा है कि मुझे तो हेमा मालिनी नहीं बनना है। इससे पहले भी जयंत कह चुके हैं कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊँ। वर्ग है कि वो ये महसूस करे कि हाँ हमारी सरकार आज इनकी जुबान पे मेरे लिए इतनी मीठी मीठी बातें। योगेश अभी कह रहा था ना, योगेश को तो अमित शाह ने कह दिया योगेश आजा तेरा हेमा मालिनी बना दूंगा। और ना जाने कैसी कैसी बातें मेरे लिए भी कह रहे हैं। कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं हमारे लिए। और मैं कह रहा हूँ मुझे खुश करके क्या मिल जाएगा, मुझे तो नहीं बनना है मामा जी। जनता के लिए क्या करोगे? वो 700 किसानों परिवारों के लिए क्या किया? तेनी जी मंत्री क्यों बने बैठे? रोज जो है सुबह उठते हैं और नफरत घोलने का काम शुरू कर देते हैं और कोई काम नहीं है। करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।